नानका ते सुख पाया
साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक विधि गोद अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु प्यार वाली साध संत जीओ सतगुरु जी की अपार मेहमत बख्शिश का सदका शामा मेले की दीवार की हाजरी भरदियां आप जी ने भाई विचित्र सिंह जी के जथे पासों गुरबाणी का मनोहर कीर्तन बड़े प्यार नाल शरण किया है। उस तो उपरंत जो सतगुरु जी की टेक को टासला लेके गुरु जी की बाणी की लड़ी वाल आप विचार की सांझ कर रहे हैं, विचार करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पन्ना नंबर अंग नंबर 253 उपर सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के पावन रसना तो उच्चारण की बाणी पावन अखरी की विचार चल रही है। पौड़ी नंबर 14 के नाल श्लोक का पाठ आप जी ने श्रवण किया। आओ यत्न करिए गुरु पातशाह ने इस पावन पौड़ी के श्लोक के अंदर जो सानू बख्शिश की गई जो विचार दिते हैं उन्होंने नाल जुड़न का यत्न करिए। उस तो पहला एक बारी सरबत गुरु की संगत सतगुरु जी की बख्शी फतेह प्रवानो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने इस पावन पौड़ी के अंदर कृपालता की है कि हे भाई जेड़ा मनुख एक परमात्मा की शरण में चला जाता है, जेड़ा मनुख होर तरह दिया टेका ओट आसरे सब कुछ छड के एक अकाल पुरख नूं अपने जीवन का आधार बनाता है, अपने जीवन का आसरा बनाता है, वह अपने मनुखा जन्म के उत्ते जित प्राप्त कर लैंदा है, वह कदे हारदा नहीं। फिर उस मनुख के जीवन के अंदर आत्मक आनंद आ जाता है, उहदे जीवन के अंदर कुछ निशानियां होंदियां ने कि उहदे जीवन में दूजा भाव नहीं होंदा, उहदे जीवन के अंदर दुख दर्द तृष्णा आदि जिहड़े रोग ने यह सारे खत्म हो जाते हैं, सारे मिट जाते हैं। सतगुरु जी ने श्लोक में यही कृपालता की, कह लगे जास जपत जास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा पाओ। जास जिसनु पाप के जिस परमात्मा नु जिस अकाल पुरख नु जप के जपदिया होया मन हुए आनंद मन विच आनंद पैदा हो जाता है, ते यो आनंद एहो जिहा कि जीवन विच दूजा भाव विसर जाता, दूजा भाव जिहड़ा है एक कदे भी जीवन के अंदर आनंद नहीं बन देता। आपां बचन पढ़ते हैं साची लिवे बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवे बाजो क्या करें विचारिया। ते जिहड़ा दूजा भाव है सतगुरु कहिंदे दूजा भाव ना देई लिव लागण जिन हरकी चरण विसारी। जिस मनुख के जीवन में दूजा भाव हुंदा है दुखदा हुंदी गे सहिब कहिंदे ने ओह कदे भी एक अकाल पुरख नाल अपनी सुरत नहीं जोड़ सकता,
जिस मनुख के अंदर दूजा भाव हुंदा है, वह एक ते टेक नहीं रखता, एक ते भरोसा नहीं रखता, वह थां थां ते भटकदा है। हुण भटकण वाले के अंदर आनंद किवें आवेगा? गुरु पातशाह जी सानूं आनंद देना चाहते ने, गुरु साहिब जी सानूं वह सुख देना चाहते ने, क्योंकि पातशाह कहिंदे ने जिस मिले है मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए, मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है। जिसनु मिल के मन में आनंद पैदा हो जाए, गुरु की निशानी नहीं। कह लगे वह सतगुरु वे जिसनु मिल के साडे मन में आनंद पैदा हो जाए, तो साडे अंदर की दुबदा जिहड़ी है वह खत्म हो जाए। मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद, हरी दे नाल जुड़ जो परम पद, वह जिहड़ी उच्ची अवस्था आत्मक आनंद वाला परम पद अर्थ की है। वह महान उच्ची अवस्था, वह आत्मक आनंद वाली अवस्था जिहड़ी कदे भी मुकदी नहीं, कदे भी मिटदी नहीं। और अनंत गुरु की सिखा ने जिन्होंने भी अपने जीवन की सांझ गुरु के उपदेश नाल अपनाई, उन्होंने यह आत्मक आनंद वाली अवस्था प्राप्त हुई। आप उन्होंने ही इतिहास विचों सीध लैंदे आ, उन्होंने अरदास विच चेता करते हैं। जब आप अरदास करते हैं आप रोज अपना इतिहास दोहराते हाँ, जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइया, उही परम आनंद वाले सन जिन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली उस अकाल पुरख नूं जपिया, एक ते टेक रखी, एक ते भरोसा रखिया, ते अपना जीवन गुरु पातशाह अनुसार बना लिया। उन्होंने गुरु मिल पिया सी ते उन्हां दे अंदर यह आत्मक आनंद बन गया। ते कहण लगे मन की दुबदा बिन सजाए, गुरु साडे अंदर दी मन विच पई हुई दुबदा नूं खत्म करदा है। हुण आपां अपने जीवन विच इक झात मार के वेखणा जरूर है कि असीं दावा करदे हां कि असीं गुरु नूं आण के मिल के सिख दावा करदा मैं गुरु नूं मिलिया, पर अपने जीवन में झात मार के वेखना असीं इह भी दावा करदे हां कि असीं नाम जपदिया जां नाम जपदे हां, पर गुरु पातशाह ना जिवें कोई डॉक्टर जां इहो कह लो कि कोई दवाइयां बनाउण वाली कंपनी कोई दवाई तैयार करदी है, वह जो दवाई तैयार कर दी कंपनी तो फिर अपनी एड दिंदी है, एडवरटाइजमेंट कर दी है अखबारों के टीवी के थां पर थां, होर्डिंग ला के पोस्टर बन के उसके लिखा जाए जी दवाई असी तैयार की है, ये दवाई जो तुम खाओगे जो थोड़े अंदर कोई खास रोग है, जो किसी रोग का नाम लिखा होंगे भी आ रोग ये दवाई जी खत्म कर देगी, असी उहदे ते भरोसा करते हैं, असी विश्वास करते हैं कि असी वह दवाई खरीद के खानी शुरू कर देंगे हाँ, क्योंकि सानू वो रोग लग्या जो है तो असी रोग तो मुक्त होना चाहते हैं। पर दवाई खांदिया खांदिया एक गल का ध्यान जरूर रखते हैं भी दवाई खा दीए वो रोग खत्म होया या नहीं होया। जे दवाई खा के भी अगर रोग नहीं मिटिया ये दो कारण हो सकते हैं, एक तो कंपनी ने झूठा प्रचार किया है, जिहड़ी कंपनी कह रही थी कि रोग तुहाडा खत्म हो जाएगा उन्हें जिहड़ा ये प्रचार किया झूठा किया है, गलत किया है, भी जिवें उन्हें कहा सी ना दवाई बड़ी की बड़ा काम आउंदी है बड़ी वधिया है, वह दवाई वधिया है नहीं सी, पर उन्हें गलत प्रचार किया गुमराह किया सानू। दूजा कारण उस दवाई को ढंग नाल नहीं वरतिया होगा जां फिर जिहड़ा परहेज नाल दस्सिया होया सी, क्योंकि हरेक दवाई दे नाल कोई परहेज भी हुंदे ने, वह परहेज नहीं किया होगा। आप दवाई खांदिया खांदिया ध्यान जरूर रखते हैं कि असी दवाई खाधी है तो ठीक होए हैं जा नहीं होए, जे नहीं होए तो फिर ध्यान देंदे हैं भी कारण की है। उन्हां नाम भी एक दारू है, साहिब कहिंदे ने संसार रोगी नाम दारू, सर्व रोग का औखद नाम, कोई शक नहीं। हुण गुरु ने झूठा प्रचार नहीं किया, जो गुरु ने जिहड़ी गल की वह लिख के दीती सानू, आप अक्सर जी गल आप कहने लिख के दे दौ, कई बार कोई बंदा बोल के कहता हो
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਸੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਸੋਈ, ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਾਗੀ, ਤਿੰਨ ਦੂਜੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਤਪੰਚਨ ਕਰਦੀ ਚੈ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਕੰਚਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੜ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟੇਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਰੋਕੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਪਏ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੀਰੀ ਜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਉਡਾਵੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨੋਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਮਨੋਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੋਹਜ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸਰਲ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਲੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ,
जिस वार बार गुरु पातशाह शब्द की गल करते हैं तो कहे कि आज जी मूर्ति है आज जी तस्वीर है ये असली नहीं। अगला कहते मेरी श्रद्धा है तो मेरी श्रद्धा ठेस पहुंचा रहे हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, एक श्रद्धा नहीं मुझे माफ करना। गुरु पातशाह श्रद्धा जिन्हों की एक न लग गई, एक परमात्मा जिन्हों का भरोसा बन गया, श्रद्धा असल में उन्होंने सामने भावे कोई दूजा मर्जी कुछ लिया के रख दिया जाए साड़ी श्रद्धा कि गुरु ग्रंथ साहब से इतों पता लगेगा सिख की कि श्रद्धा है गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह से। एक छोटी जी उदाहरण दिया और ये असली घटना है कि किसी गुरु प्यारे ने अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप अक्सर आप पिंडा में देखते हैं पहले लोग जो गुरु पातशाह का स्वरूप अपने घर में लियाते सन कोई भी समागम होंगे बड़ा चा हों लोगों के मन में अज वो चा नहीं है। बड़ा चा हों बड़िया तैयारियां की जाए सन किसी अज वो चा घट गई अज वो गल नहीं रह गई अज तो पांच शरीर भी नहीं मिलते कई बार जरूर कितने आनंद कार्ज हो जरूर कितने कोई समागम हो गुरु पातशाह स्वरूप गुरुद्वारा साहब को लेके जाने वास्ते पांच शरीर नहीं मिलते छड़न वास्ते भी पांच नहीं मिलते। सिख रहत मर्यादा में लिखा हुआ है भी जो आप गुरु पातशाह स्वरूप लेके आने तभी पांच शरीर चाहिए ने तो गुरुद्वारा साहब छड़न जाना तभी चाहिए ने तो किसी को कहो तो जा पिठ मुड़ जाता चल मैं होर काम है जी किसी होर कह दौ जा फिर कोई उत्तों जे भी मजबूरी वश कई नाल तुर पेंदे ने पर गुरमुख प्यारे ने गुरु पातशाह स्वरूप लैके उन्होंने मन में बड़ा चा कि कल मेरे घर गुरु साहब जी ने आना धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह ने आना है। उन्हें रात अपने घर चंगी तरह तैयारी की अपने घर को सजाया क्योंकि बड़ा चाव सी ते उन्हें एक यत्न किया भी शाम का जब वक्त होया रात का हनेरा पैन लग गया तो अपने घर तो लैके न अपने बच्चियों अपने परिवार को नाल लाया चलो आप गली साफ करिए पंजाब के पिंडा दी अपनी गलियां जिहड़ी कच्चियां हुंदियां सन चलो आप साफ करिए गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे तक पूरी गली साफ कर लेंगे। वो जब गली साफ करन लगे तो कई लोगों को उन्हां ने भी वेखिया कई उन्हां ने वेखिया तो वह पुछन लग पे भी की गल है बड़ी गली साफ की जा रही कहने कल मेरे घर महाराज ने आना है गुरु बाबे ने आना मेरे घर के बीच कुछ ये गल सुन के कुछ नाल होर भी लोग जुड़ गए ना वो सेवा कर लगे चलो बाबा जी ने आना है ये घर से आप भी सेवा करते हैं तो फिर किसी ने बिचो पुछ लिया कि बाबा जी ने आना है किसी ने पुछ लिया बिचो कि बाबा जी ने आना कह लगे धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने आना है तो वह कहना मैं सोचिया भी कोई डेरे वाला आ रहा होगा हम बाकी मन में यह आ गया भी ये जो सफाइया जब कोई डेरे वाला आए उदों तो बड़िया चादर बिछाइया जाए ने एक चादर चुकी जाती है होर बिछाई जाती है एक चादर चुकी जाती है होर बिछाई जाती है पर गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप आना हो किसी को कोई सरोकार नहीं है कि सतगुरु का सारी श्रद्धा कितने खड़ी असं उन्होंने शब्दा से बना ली सिखा ने देहधारियों की श्रद्धा बना ली पर गुरु की श्रद्धा कितने गई कोई मेरे वर्गा गुरु की श्रद्धा धोखा देता है भंड दिता जाता है शादी श्रद्धा तोड़ रहा साड़ी ते श्रद्धा कितने बनी हुई है नहीं भलियो गुरु ने झूठिया श्रद्धा जो बनिया हुई सब तोड़िया ने तोड़िया ने अक्सर ही जलों कि गल चलती है एक कोई उदाहरण बहुत बारी मैं सुनने मिलती है तुम भी सुनते हो गए वेखो जी श्रद्धा होनी चाहिए है धंधे ने पत्थर पिछों रब पा लिया अक्सर ये गल बहुत बारी तुम भी सुनी होनी सुनिए ना बहुत बारी मैं भी सुनी बड़ी बारी धने ने पत्थर गुरु ग्रंथ साहब पुछिए महाराज धने ने पत्थर पाया सतगुरु साहब लफ्जा मना करते हैं उसे व्याख्या की गुरु अर्जन साहब जी ने धन्या जिथे भगत धन्ना जी का शब्द आता पहला शब्द उन्होंने भरमत फिरत बहुत जन्म जन्म बिलाने तन मन तन नहीं धीरे ये शब्द पहला धन्ना जी का राग आसा के इस शब्द जिमें समाप्त होंगे अखीर में भगत धन्ना जी ने कहा धन्य धन पाया धरनी धर मिल जन संत समानिया मैं कितों परमात्मा प्राप्त किया है रबी प्यार वाली की संगत के बीचों ते अगला शब्द गुरु अर्जन साहब जी का है गुरु अर्जन साहब जी ने व्याख्या कर दी धन्य ने किवें परमात्मा पाया नाल व्याख्या कर दी सारा उसे समझाया हो आप गुरु को पूछिया नहीं
सतगुरु ते कहिंदे ना पाथर बोले ना किश दे फोकट करम निफल है सेवक ते श्रद्धा ते टुट गई ना। गुरु सानू क्योंकि सच जाने हो आपां लाइटां जगा के बैठे हां ना, ये लाइटां दी तारां जग रही ने कि इन्हां दी जिहड़ियां तारां ने किसे सियाने इलैक्ट्रीशियन ने जदों तारां पाईआं ने ना उन्हें बड़े ध्यान नाल पाईआं ने जिथे तार जुड़नी चाहिए उसे जोड़िए। जे मेरे वर्गा कोई जिन्हों पता ही नहीं वो गलत तारा जोड़ दे फिर लाइट नहीं जगेगी। तारा ते जोड़ सानू लगेगा तारा ते जोड़ ते सही लगे हुए ने, असीं वेख दूरों बारों बारों वेखांगे वी जुड़िया होया जोड़ लग्या होया पर लाइट नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? जोड़ ते लग्या पर जोड़ गलत थान ते लग्या होया। ते जेकर लाइट जगाउणी है ना फिर की करना पैगा? गलत थान तो जोड़ तोड़ना पड़ेगा। तार गलत थान ते लगी है उतों तोड़ के सही जगह ते लाउणी पैगी, तां ही हीटर चलेगा, तां ही पखा चलेगा, तां ही एसी चलेगा, तां ही लाइट चलेगी। गुरु साहब जी ने देखिया भी बंदे दे जीवन विच क्यों आत्मक आनंद नहीं हो रहा, क्यों इन्हें जीवन विच प्रकाश नहीं है, क्यों अंधकार विच भटक रहे हैं, अपने आप को हर को कहना मैं जुड़िया होया। कोई थोड़ी दावा करता, हर बंदा कह रहा है जिहड़ा अजे धर्म की दुनिया विच विचर रहा है ना, सारे कहते हैं मैं जुड़िया होया। पर जुड़े कितने हुए गलती आ सी, गुरु साहब ने देखिया भी कितने गलत थान से जुड़िया, जिहड़ा गलत थान से जुड़िया सी उहनूं कहते हैं पहले इत्थों टुट, पहला टुटे तो तब गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे कोल भाई तीर्था आया सी, जिहड़ा भाई मंझ बणिया पहला सखी सरबे नाल जुड़िया होया सी, उहने सिक्खी दी मंग कीती, सतगुरु कहिंदे ने पहला उह छड़ो दी पूजा। और बड़े हैरानी दी गल है जदों गुरु के सिख सतगुरु दे कोल आउंदे ने ना, मैं इक इतिहास विचों साखी पढ़ रिहा सी, सखी इक बेनती करां भाई आकल गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह का बड़ा प्यार सिख होया, उहदा नाम सी भाई आकल। पहला आपां वेखदे आ कि जदों पहला बच्चे बच्चियां दृष्टि हुंदे सन उदों कोई बहुती पुछ पड़ताल नहीं सी कीती जांदी, अज ते बड़ियां पुछ पड़तालां कीतियां जांदियां ने, उदों यकीन कर लिया जांदा सी। भाई आकल दी बच्ची दा रिश्ता हो गया, हो सकदा पहला होया होवे इह हुण रब जाने, पर मैं गल मुद्दे ते आवां। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਆਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਬਈਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਗੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਬੋੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਚ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੀ ਹੋਈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਐਨ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਰ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਰ ਡੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਡੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀਰੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਗਈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਾਏ, ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਮਚੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ
भी मेरी पत्नी जिद नाल व्याह होया है इत उस जिद बहुत सारे लोग बैठे ने कोई दीवान सजा उधर चली गई है वह भी पीछे पीछे आ गया।